एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रियंका। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग बैक। सो आज हम लोग जाने वाले हैं, गुरु महाराज आने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाने के लिए रेडी हुए हैं। सो अभी मैं निकल रही हूँ और चलिए आप लोग को भी आज दर्शन कराती हूँ गुरु महाराज के। सो गाइस, अभी मैं यहाँ लिफ्ट में आ गई हूँ और मम्मी मेरा नीचे वेट कर रही है। मम्मी और एक और आंटी जा रही है, पापा भाई और पापा भाई भाभी भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि अभी उनका छोटा सा बेबी है। सो इसकी वजह से पापा भाई और भी वो लोग आएंगे बाइक से और हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, देखिए हम आश्रम के गेट के पास पहुंच गए हैं। देखिए ये गेट है आश्रम का और देखिए यहाँ पे सेवा दल लगे हुए हैं और देखिए कितना आश्रम का नाम है हंस विजयनगर आश्रम। हंस जो है सतपाल जी महाराज के पिताजी का नाम था और देखिए यहाँ पे पंडाल बना हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे आईडी कार्ड बन रहा है। अभी विदाउट आईडी कार्ड एंट्री नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ में कोई घूम जाएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये पूरा पंडाल है। यहाँ पे देखिए जो पब्लिक आई है, सबकी कार और गाड़ी पार्किंग सब लगी हुई है। चलिए चलते हैं, देखिए मेरा आईडी कार्ड है। चलिए चलते हैं, आश्रम दिखाती हूँ कैसा है आपको अंदर। ये अभी जस्ट ग्राउंड है आश्रम, वो भी दिखाती हूँ। सो गाइस, देखिए ये है आश्रम, कितना अच्छा आश्रम बनाया हुआ है। देखिए कितना देखने में ही, मतलब जो पहली बार देखेगा तो कुछ टाइम खड़े होके देखेगा, इतना अच्छा आश्रम बनाया हुआ है। सो यहाँ पे इतनी पब्लिक आई है जो सब मिल के सेवा करती हैं, सब योगदान करते हैं, तब जाके इतना विशाल आश्रम बन पाया है। और यहाँ पे देखिए सब दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के और आश्रम ही कितना अच्छा बना हुआ है। राजा के महल अलग है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। जहां बादशाह आम जनता से मिलता था, दीवाने आम, जहां लोगों की फरियाद सुनता था, दीवाने। यहाँ पे सत्संग खत्म हो गया। देखिए कितनी भीड़ है और सब अब दर्शन के लिए लाइन लगाने जा रहे हैं। देखिए कितनी पब्लिक आई है, कम से कम 2-3-4-5 हज़ार पब्लिक आई हुई है। सब देखिए दर्शन के लिए अब जा रहे हैं आश्रम में लाइन लगाने से, एक एक बारी सबको दर्शन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है, नित्य प्रसाद बन रहा है, सबको ये प्रसाद ग्रहण करके तभी जाएंगे। और खाने पीने का भी प्रोग्राम है गाइस, और बहुत दूर दूर से सब आए हैं महाराज जी के दर्शन करें। पूरी मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, मतलब जिन्हें जहाँ जहाँ से, मतलब जिनकी जहाँ से श्रद्धा है, सब दूर दूर से आते हैं महाराज जी से, महाराज जी के दर्शन करने, क्योंकि बहुत सालों बाद आए हैं महाराज जी मुंबई में। सो अभी देखिए यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन लगा हुआ है, मैं भी लाइन में खड़ी हुई हूँ। फ़ोन अलाउ नहीं है फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। हम लोग का खाना और दर्शन प्रसाद भी मिल गया है, लड्डू। एंड देखिए सब यहाँ पे ऑलमोस्ट खा के हो गया सबका और दर्शन भी हो गया। पापा अभी जेंट्स लाइन में थे तो उनका पता नहीं किधर है। सो जिस महाराज जी के पास हम लोग जाते हैं, वो उनका नाम है सतपाल महाराज। वो उत्तराखंड के कल्चर मिनिस्टर हैं एंड वो आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, मतलब उनका मेन मिशन है कि इंसान का इंसान से हो, भाईचारा है मानव धर्म हमारा। वो मानव का धर्म क्या है वो उस पर, मतलब उनका काम है कि इंसान
एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे से मिल के रहे, मतलब वो अपना मतलब ये उनका उद्देश्य है। सो हम लोग वहीं जाते हैं एंड डेफिनेटली सत्संग मतलब अच्छी जगह होती है जहाँ पे आपको अच्छा ही सब सिखाते हैं। सो सत्संग जाना चाहिए। और उनके दो बेटे हैं, बड़े बड़े बेटे एंड छोटे बेटे। छोटे बेटे की वाइफ को आप सब जानते होंगे, मोहिना कुमारी नाम है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें पहले काम करती थी एंड DID में भी वो एक बार मतलब डांस में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। एंड सी इज़ नाउ प्रेग्नेंट। और वो नहीं आई थी, जस्ट सतपाल महाराज जी आए थे और उनके छोटे बेटे आए थे। चलिए आप लोग को मतलब दिखाती हूँ। यू नो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, यू नो सबको डिस्टर्ब होता है। सो रिकॉर्ड करने नहीं देते, फिर भी मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके थोड़ा बहुत आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया है। हम चले अपने घर पे एंड देखिए ये हम गेट के बाहर निकल चुके हैं एंड आगे मम्मी है, भाई दोनों अंदर हैं। अभी वो लोग आगे पीछे हो गए थे क्योंकि जेंट्स और लेडीज की लाइन अलग थी। और मम्मी को देखो धूप लग रही है। सो यहीं की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय। बोलिए श्री सच्चिदानंद महाराज की जय।